कहा जाता है कि सुबह में टहलने से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्या पता सुबह में टहलने के दौरान किसी के साथ कोई बड़ी घटना ना हो जाए। आप भी अगर सुबह में टहलने जाते हैं तो अगल बगल सतर्क होकर रहिए, कहीं कोई हथियारबंद आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के राजद नेता के बारे में, जिन्हें आज अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना के वसुदेव छपरा गांव में अपराधियों ने इस घटना का अंजाम दिया। यह घटना सुबह मॉर्निंग वॉक की है, जहां राजद के नेता दिनेश शाह, जो कि राजद के प्रखंड सचिव भी है, जिनका सुबह टहलने के दौरान इस घटना का अंजाम दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने झांसा देकर इस घटना का अंजाम दिया। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पहले दो अपराधी बाइक सवार होकर आते हैं और दिनेश शाह के साथ टहलने का नाटक करते हैं, और उनके साथ टहलने के दौरान जब ही उनको मौका मिलता है तो पिस्तौल से दनादन गोलियां चलाकर और वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद थोड़ी देर में उनके घर के परिजन और साथी गांव मोहल्ला एकत्रित होते हैं और दिनेश शाह जी को SKMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, हालत उनका पूरी तरह गंभीर है। देखना होगा कि आगे उनकी तबीयत में क्या सुधार आती है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ये राजद के नेता थे और अभी तक राजद के कोई भी बड़े नेता का इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया है। और बता दूं कि बिहार में राजद आज विपक्ष में है, जहां तक उम्मीद है कि जितने भी बड़े नेता हैं उनकी इस घटना पर जरूर कोई बड़ी प्रतिक्रिया होगा, सरकार के विरुद्ध और नीतीश कुमार के विरुद्ध। जी हां, ये कोई नया घटना नहीं है। न्यूज़ बिहार के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको जितने भी बिहार की आपराधिक घटनाएं होती है उससे अवगत कराया जाता है, और उसी घटनाओं में एक और ये घटना बढ़ गया है और फिर से एक बिहार में अपराध हुआ। राजद नेता का दिन दहाड़े गोलियों से मारकर उन्हें भून दिया गया, घायल कर दिया गया। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि आज बिहार में अपराध चरम सीमा पर हो गई है। और भी आपराधिक घटनाओं समाचारों से हम आपको कराऊंगा रूबरू। आप बने रहें न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।